अभी मैं जो है प्रीति को लेके जा रहा हूँ, उनकी एक जांच होनी है। सो गाइस रिपोर्ट लेके आ गए हैं। और हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी सुबह हो गई है और सुबह के अभी 10 बजने वाले हैं। तो अभी मैं जो है प्रीति को लेके जा रहा हूँ, उनकी एक जांच होनी है, तो उसी के लिए उनको लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा ब्लड ब्लड का सैंपल निकलेगा, तो उसी के लिए लेके जा रहे हैं। तो अभी मैं रेडी हो गया हूँ और प्रीति अंदर रेडी हो रही हैं। तो आज रामनवमी है गाइस, तो आप सभी लोगों को रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। तो अभी बस गाइस जल्दी जल्दी निकलते हैं, उनकी जांच करवाते हैं, क्योंकि धूप देखो बहुत तेज़, आजकल बहुत गर्मी भी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, और धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं, क्योंकि जो जाँच होनी है खाली पेट होनी है। तो वापस आके नाश्ता वास्ता भी करेंगे, खाली पेट ही है। तो जल्दी जल्दी निकलेंगे गाइस, तो जल्दी जल्दी जाएंगे, जल्दी जल्दी वापस जाएंगे। तो अभी गाय इनको देखो खांसी आ रही है, कल रात से ही खांस रहे हैं, तो अभी दवा नहीं पी रहे हैं ये। चुप पी लो, थोड़ा सा पी लो, चुप पी पी लो, थोड़ा सा, थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, एक बार अच्छा बुबू आए ना बेटा, अच्छा बेटा, देखो पी के देखो। सो गाइस रेडी हो गए हैं, यहाँ पे प्रीति और सर्वक भी रेडी जाएंगे साथ में। तो जल्दी जल्दी स्कूटी निकालते हैं, फिर निकलते हैं। ये मुड़ी हमारे यहाँ पे जान गया कि जाना है, जा रहे हैं, तो काटने पीटने में लगा हुआ है कि हमको भी लेके जाए। नहीं काटो, चलो चलो तो चलो गाइस जल्दी जल्दी जाते हैं और टेस्ट करा के आते हैं। सो गाइस देखो अभी यहाँ पे आ गए जांच कराने के लिए, अभी जा रहे हैं वहाँ पे जांच कराने के लिए। तो गाइस जांच हो गई है, ब्लड सैंपल दे दिया है, देखते हैं कब तक रिपोर्ट आ, शाम तक बोले रिपोर्ट आने के लिए। और प्रीति और सर्वक यहाँ पे हैं, साथ में जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी घर निकलते हैं। लगा दिया डॉक्टर, इधर देखो, मना नहीं किए, वही हो रहा, दर्द हो रहा है मम्मी के, है वो भी बंद हो जाएगा थोड़ी देर में, तो थोड़ी देर दबा लो, थोड़ी देर दबा लो, हो जाएगा सही, है चले चले। सो गाइस घर पे अभी जस्ट अभी आ ही रहे हैं, तो हेलमेट लिए, तो करा लिया जांच, और रिपोर्ट जो है वो शाम को मिलेगी। और अभी चलते हैं, नाश्ता वास्ता जो है वो अभी कोई भी नाश्ता नहीं किया है, तो नाश्ता वास्ता करते हैं। और यहाँ पे हमारे सर्वज्ञ, आँख खुली नहीं, मोबाइल चाहिए, मोबाइल देखना है, मोबाइल देखना है, तो मोबाइल चाहिए इनको। बस गाइस जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता करते हैं, और भूख भी लगी है क्योंकि कल व्रत भी था, तो अभी कुछ उतना कुछ खास खाना वाना कुछ खाया नहीं था कुछ। अभी मैं जा रहा हूँ समोसे लेने, तो रास्ते में आ रहे थे, समोसे मिले नहीं, और आज तो सिर्फ और सिर्फ जलेबी बना रहे, और क्योंकि आज कन्या उन्या सब खिलाते हैं, तो जलेबी सिर्फ बना रहे। तो अभी 10 मिनट में वो बोले कि 10 मिनट में बना लेंगे जलेबी समोसे, तो अभी जा रहे हैं, 10 मिनट बाद जाएंगे लेने समोसे गर्मा गर्म। तो गाइस अभी देखो 11:30 होने वाले हैं, और अब जाके हम लोग चाय और समोसा, बताया था ना समोसा मैं ले आया, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो अभी देखो शाम के जो है 7:04 हो रहे हैं, तो सुबह आपको दिखाया था ना चाय नाश्ता किया, काफ़ी लेट में चाय नाश्ता किए थे, खाना भी हम लोग लेट ही में खाना खाए थे। चाय नाश्ता करने के बाद उसके बाद ब्लॉग बनाया ही नहीं, क्योंकि मेरे पूरे गर्दन में ये सीने में पूरा राइट साइड पूरा दर्द हो रहा था, अभी भी दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का थोड़ा सा आराम है, लेकिन एकदम पूरा आराम नहीं है, और बहुत उलझन जैसी भी लग रही है, इसलिए ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया था। तो अभी शाम को ब्लॉग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो सुबह वही ब्लॉग दिखाया था आपको नाश्ता करने में, तो अब सीधे डायरेक्ट शाम को मिल रहे हैं आपसे,
और सुबह चाय नाश्ता करने के बाद प्रीति अपने काम पे चली गई थी। सर्वज्ञ को रो रहे थे तो उनके नानी के यहाँ पे छोड़ आए थे। जा रहा हूँ प्रीति की रिपोर्ट लेने, जो सुबह जांच कराए थे ब्लड रिपोर्ट, तो अभी रिपोर्ट आ गई होगी तो वही रिपोर्ट लेने जा रहे हैं। रिपोर्ट लेके आते हैं फिर आपको जो है बताते हैं किस चीज़ की जाँच हम लोगों ने करवाई थी और रिपोर्ट में क्या है। तो जाने से पहले गाइज चाय पी लेते हैं और फिर निकलते हैं। सो गाइज रिपोर्ट लेके आ गए हैं, थोड़ी देर हुआ अभी रिपोर्ट लेके आए हैं और रिपोर्ट में तो सब चीज़ नॉर्मल है। इनकी जांच थायराइड प्रोफाइल था इनका, वही करवाया था इनका, क्योंकि इनके हाथ में ना स्वेलिंग वेलिंग आ जाती थी। इससे पहले भी मैंने जांच कराई थी तो ऐसे ही मतलब सिम्टम्स ऐसे ही थे, स्वेलिंग आना, हाथ पैर में सूजन आती थी। तो इस बार भी मतलब तब कराया था तो थोड़ा सा पॉइंट 0 पॉइंट कुछ था, पॉइंट में ही था, पॉइंट में ही था, निकला था, बहुत ज्यादा नहीं निकला था। तो दवा खाई थी तो ठीक हो गया था। उसके बाद फिर से जांच कराई, दवा करने के बाद तो नॉर्मल हो गया था। तो फिर से अभी कम से कम 7-8 महीने हो चुके हैं तो फिर से वैसे ही स्वेलिंग हाथ पैर में सब आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा लाओ करा लेते हैं क्योंकि ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फिर दवा कंटिन्यू बराबर मतलब करनी ही पड़ेगी। सोचा जाँच करा लेते हैं तो पता चल जाएगा है कि नहीं है। तो फिलहाल है नहीं, ये रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। पता नहीं स्वेलिंग हाथ में क्यों आती है, सुबह जो सो के उठती हूँ तो उस समय रहती है। तो अभी रिपोर्ट नॉर्मल है, कुल मिला के ये है, अच्छी बात है रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ नहीं निकला। थायराइड भी नहीं है इनका, मतलब थायराइड इनका खत्म हो गया। उसी टाइम थोड़ा बहुत था जब प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा बहुत जो है थायराइड वायराइड जो है आ जाता है, लेकिन अभी ठीक है इनका, कोई थायराइड नहीं। लेकिन बस इनका जाँच कराएंगे एक बार कि स्वेलिंग क्यों आती है हाथ में और फिर देखते हैं क्या है। तो चलो अब सीधे आपको खाने पे मिलते हैं अभी। और बाहर अभी बदरी बदरी सा हो रखा है, थोड़ा हवा हवाएं चल रही है, देखते हैं बारिश होती है कि नहीं होती आजकल में। है तो ऐसा मौसम में तो दिया है आजकल में बारिश होगी, लेकिन देखते हैं क्या है। सो गाइस खाने का टाइम हो गया और खाना भी अपना आ गया है। तो यहाँ रोटी है और ये भिंडी की सब्जी है और यहाँ पे ये ककड़ी है, ककड़ी का सैलेड है। तो चलिए जल्दी जल्दी खाना फिनिश करते हैं। और यहाँ पे बहुत दिनों बाद सर्वज्ञ को ये अल्फाबेट वाला अपना इनको खेलने के लिए मिला इनको। तो अभी थोड़े दिन नया नया है तो अभी नया नया शौक है, तो नया जो खिलौना वलौना कुछ भी नया होता है, हम लोग के साथ भी होता है, नया नया होता है तो बहुत दिन मतलब अच्छा लगता है ना, खेलना वेलना सब अच्छा लगता है, अच्छे से रखना भी अच्छा लगता है। तो ठीक इसी तरह इनके साथ भी है, बढ़िया से रखेंगे, अच्छे से रखेंगे, खेलेंगे और फिर थोड़े दिन बाद उठा उठा के फेंकेंगे। तो बस इनके बच्चों का तो यही, सारे घर में जिनके जिनके घर में बच्चे हैं सबके घर में यही हाल है। तो नया नया है तो अच्छा, पुराना ख़राब। जल्दी जल्दी देखो खाना आ गया और भूख भी बहुत तेज लगी है, तो जल्दी से खाना फिनिश करते हैं। सो गाइस खाना पीना अपना तो सारा हो गया, दिखाया ही आपको, और बस अब सोएंगे जाके। सोने की तैयारी वारी अब शुरू हो गई, स्टार्ट हो गई, अब सोएंगे। और सोने से पहले सर्वज्ञ को जो है खांसी की दवा देंगे, क्योंकि खांसी आज सुबह से बहुत ज़्यादा खांसी इनको आ रही है, तो खांसी की दवा इनको देंगे। बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे और आपको आज दिखाया ही, और प्रीति की जो रिपोर्ट थी वो बताया ही आपको, रिपोर्ट तो नॉर्मल थी। और जो है अब दिखाएंगे डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, और हैं एक नज़र वो डॉक्टर उनको दिखाएंगे, पहले उनसे देखेंगे, राय लेंगे और स्वेलिंग क्यों हाथ में आ रही है तो देखते हैं क्या है, क्या बताते हैं डॉक्टर। बाकी फिलहाल बस इस ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो गाइस देखो सिम्बा सो कैसे रहा है, सोने की निंजा टेक्निक, आधा ऊपर आधा नीचे, वो सो रहा है देखो।